प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देशन में 3 मार्च को विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते पुलिस और आम लोगों के बीच तालमेल बैठाने के उद्देश्य से लखनवाड़ा पुलिस ने कारी रात में स्थित एक रेस्टोरेंट हॉल में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में थाना अंतर्गत क्षेत्र में आने वाले गांव के जनप्रतिनिधि और जागरूक लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान लखनवाड़ा थाना प्रभारी ने आम लोगों से आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए पुलिस की सहायता करने की बात कही। थाना प्रभारी सिरामे ने कहा कि छोटे मोटे विवादों को समझाइश देकर निपटाया जा सकता है, जुए सट्टे का सख्त विरोध करें ताकि इनकी लत में आकर लोग अपनी गृहस्थी बर्बाद न करें। गांव में किसी भी तरह के अपराध की सूचना बिना किसी डर के पुलिस को दे। उन्होंने कहा कि बाल यौन शोषण के मामले में किसी तरह की समझाइश न देते हुए तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे। कार्यक्रम के दौरान थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी पुलिस के समक्ष अपनी बात रखी। कार्यक्रम में उपस्थित एक अधिवक्ता ने लोगों को हिदायत दी कि वे इंश्योरेंस सहित अपने वाहनों के सभी दस्तावेज पूरी तरह सही रखें ताकि दुर्घटना होने पर परेशानियों से बचा जा सके। जनसंवाद कार्यक्रम में गाँव से आए अधिकतर लोगों ने अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की बात कही, जिस पर थाना प्रभारी ने सहमति जताई। पुलिस विभाग द्वारा कहा गया है कि निश्चित रूप से अपराधों को रोकना पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन आम लोगों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने आसपास हो रही आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयास करें। इसी के तहत अपने अपने गांव में युवा ग्राम सुरक्षा समिति बनाएं और इसके माध्यम से लोगों को अपराध करने से रोकें। कार्यक्रम में ऐसे युवा जो कि ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य बने हैं, उन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए थाना स्टाफ द्वारा टी शर्ट प्रदान की गई। राजकुमार पांडे की रिपोर्ट।